बाथरूम में गिरकर हुई मेरे दोस्त की मौत ड्रग्स से नहीं। एक्टर आदित्य सिंह राजपूत की दोस्त सुबोही जोशी ने ये दावा किया है। जहां एक तरफ आदित्य सिंह राजपूत की मौत के बाद तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। किसी ने उनके ड्रग के ओवरडोज होने की बात कही तो वहीं किसी ने ये बताया कि अस्पताल में उनकी मौत हुई। लेकिन इसी बीच अब आदित्य की बेस्ट फ्रेंड सुबोही जोशी ने उन्होंने ये सच्चाई बताई है कि उन्होंने ये बताया कि लेट नाइट सारी खबरें देखी और खबर में जिस तरह उसे ड्रग ओवरडोज की बातें कर रहे हैं वो गलत है। उसकी मौत बाथरूम में गिरकर हुई है, ड्रग से नहीं। साथ ही सुबोही जोशी ये बताती है, उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग कैसे इतने इनसेंसिटिव हो सकते हैं। जब मैं ड्रग ओवरडोज की खबर पढ़ रही थी तो मुझे मीडिया समेत उनके कुछ दोस्तों पर बहुत गुस्सा आया जिन्होंने ये सारी झूठी बातें फैलाई। मैं कल से इतनी ज्यादा बिजी थी कि मुझे क्लैरिफिकेशन करने का मौका नहीं मिला। जरा सोचे उनकी माँ पर इस तरह की घटिया खबर सुनकर क्या गुजरती होगी। एक तो उन्होंने अपना बेटा खोया और ऊपर से इस तरह की बदनामी हो रही। सच कहूँ तो मेरे दोस्त की मौत का तमाशा बना रखा है। आदित्य की बेस्ट फ्रेंड सुबोही जोशी ने ये दावा किया है कि उनकी मौत ओवर डोज ड्रग लेने से नहीं बल्कि बाथरूम में गिरने से हुई है।